सिद्धार्थनगर में 23/11/2017 को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे सिद्धार्थनगर जिला कारागार के सामने मैदान में हेलीकॉप्टर द्वारा आ रहे हैं। तैयारियों का जायजा लेने के लिए डुमरियागंज सांसद माननीय जगदम्बिका पाल तैयारियों का जायजा लिया और मीडिया से मुखातिब होते उन्होंने कहा कि यहाँ पर 4.15 करोड़ जनता शहरों में रहती है। वहीं पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती अपने जायकी घरों में बैठी हुई हैं और दिन बृहस्पतिवार को भाजपा अध्यक्ष प्रदेश डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे नौगढ़ बांसी सोहरतगढ़ बढ़नी डुमरियागंज भाजपा के समर्थन में आ रहे हैं। भाजपा की नगर पालिका चेयरमैन आता है तो सबसे पहले बिजली और पानी की व्यवस्था कांसीराम आवास में की। सर वर्तमान में जो तैयारी चल रही है कहाँ तक पहुँची है अब क्या? देखिए तैयारी से ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आज उत्तर प्रदेश के नगर पालिका का नगर निगम का नगर पंचायतों का चुनाव हो रहा है। जी चुनाव का फर्स्ट फेज के आज मतदान हो रहे हैं और आगे 26 को सेकंड फेज होगा 29 को थर्ड फेज होगा। इस चुनाव को जबकि सबसे महत्वपूर्ण चुनाव होता है, प्रदेश की 4.5 करोड़ जनता शहरों में निवास करती है, नगर पंचायत नगर पालिका नगर निगम, एक तिहाई प्रदेश की जनसंख्या जहां रहती हो उनके विकास उनकी सुविधाओं के लिए आज कोई पार्टी चाहे अखिलेश यादव की हो या मायावती की अपने घरों से नहीं निकल रहे। अगर इस चुनाव को कोई गंभीरता से ले रहा तो भारतीय जनता पार्टी, और उसी परिप्रेक्ष्य में प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र नाथ पांडे जी कल सिद्धार्थनगर के मतदाताओं से सिद्धार्थनगर नगर पालिका परिषद बांसी नगर पालिका परिषद सोहरतगढ़ उसका डुमरियागंज बढ़नी 4 नगर पंचायत 2 नगर पालिकाओं के मतदाताओं से समर्थन मांगने आ रहे हैं कि अगर आज प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो निश्चित तौर से जब नगर पालिका में भी भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड और चेयरमैन होगा तो विकास बहुत तेजी से होगा।